भगवान के शरण में जाने के लिए कहना और न नाचना और न गाना, तो ये होली की बातें छोड़ ही दीजिए। तो हमने जो सुप्रीम कोर्ट ने मुझे कहा था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माताओं को खाना खिलाने के लिए, तो हमने कहा कि सिर्फ खाना खिलाने से नहीं होगा, यानी पूरे जो लाइफ है इसमें जब तक चेंज नहीं होता है तो फिर खाना से क्या होगा। तो हमने उनको पढ़ाया दिखाया, काम सिखलाया, हॉस्पिटल जाने के लिए गाड़ियाँ दी और रक्षाबंधन का फंक्शन कराया। रक्षाबंधन के लिए प्राइम मिनिस्टर को भी लोग बना करके राखी भेजते थे, भेजते हैं, और दीपावली का त्यौहार मनाया गया। और तब हमने कहा कि आप होली भी खेल सकते हो। शुरुआत में जैसा होता है कहा कि हम तो 30 वर्ष होली नहीं खेले हैं, 40 वर्ष से नहीं खेले हैं, 50 वर्ष से नहीं खेले हैं, तो होली कैसे खेले होंगे। तो थोड़े पहली बार हिचक थी, 2013 में पहली बार शुरू किया हमने। और जो महत्वपूर्ण बात है उससे आगे बता रहे हैं आपको, जो दिल्ली में फैशन वॉक हुआ तो इन्होंने फैशन करवाया अपना और लिपस्टिक लगवाई। विधवा माता अपने होठ पर लिपस्टिक लगाए, एक इतिहास सुनने को मिला है। तो वो भी किया इन्होंने। अब ये है कि पहले जब हम मिले थे 2012 में 12 अगस्त को, तो सब कहती थी हम मरना चाहते हैं, आज जिसे पूछ लीजिए आप, तो हम जीना चाहते हैं। तो हमने जो प्रयास किया स्वयं चौरासियों की ओर से, तो 9 साल के अंदर ऐसा क्या जादू किया हम लोगों ने कि जहाँ मरना चाहती थी अब जीना चाहती है। तो ये हम लोग का अब ये है कि इसको अपने घर में जो अशुभ हो जाती है उसको समाप्त करना है, उनको देख के कोई बाहर नहीं जाएंगे काम के लिए, शादी घर में हो रही है वहाँ रहने नहीं देंगे उनको, ईशो को भी समाप्त करना है। और साथ साथ जो विदेशों में भी, अब नाइजीरिया में पति के मरने के बाद विधवाओं को 7 दिन मरे हुए मुर्दे के साथ वो सोना पड़ता है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।